अभिनेता रितेश देशमुख को आशा है कि वे एक दिन अपने पिता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख के जीवन पर बायोपिक बनाएंगे। उनका कहना है कि वह ऐसी कहानी का इंतजार कर रहे हैं जो दर्शकों का मनोरंजन करने के साथ ही उनके पिता के सफर के साथ भी न्याय करे। रितेश ने कहा, उनका सफर मनुष्यों के चमत्कारी यात्राओं में से एक है। उन्होंने सरपंच के रूप में शुरुआत की थी और राज्य के मुख्यमंत्री बने। लोगों ने कई बार उनके जीवन के बारे में स्क्रिप्ट लिखी और मुझसे फिल्म बनाने के लिए कहा है, लेकिन यह आसान नहीं है। रितेश को आशा है कि वह अपने पिता के जीवन पर किसी दिन फिल्म जरूर बनाएंगे। उन्होंने कहा, जब आप किसी के जीवन पर एक किताब लिखते हैं तो आप 500 या 600 पेज लिख सकते हैं, लेकिन 2 घंटे की फिल्म में किसी व्यक्ति के जीवन के सभी पहलुओं को दिखाना बहुत मुश्किल है। यदि आप असफल होते हैं तो बायोपिक उबाऊ हो जाती है। आशा है अगर कुछ सामने आता है तो क्यों नहीं, लेकिन भविष्य में यह कोई एजेंडा नहीं है। रितेश बागीत्री के प्रमोशनल इवेंट के दौरान मीडिया से मुखातिब हुए। अहमद खान द्वारा निर्देशित इस फिल्म में टाइगर श्रॉफ और श्रद्धा कपूर भी अहम किरदार में नजर आएंगे। INS रिपोर्ट।